फिल्म मजदूर के परिवार को दिलाई 41 लाख रुपए की मदद। साजिद नाडियाडवाला के हाउसफुल 4 के सेट पर हुआ था हादसा। मजदूरों के लिए मदद की जब बात आती है तब अक्सर देखा जाता है कि उनकी मदद के लिए उनकी संस्था या यूनियन साथ नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के चेयरमैन विधायक राम कदम, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ट्रेजरर गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, फेडरेशन के अध्यक्ष बी एन तिवारी एवं जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे, अलाइड मजदूर यूनियन के मुख्य सलाहकार भगवती शुक्ला, ट्रेजर राकेश मौर्य ने अपने मजदूर भाई को लगभग 41 लाख रुपए की मदद दिलाई। यह हादसा 22 अगस्त बकराईद के दिन का था, जब साजिद नाडियाडवाल की फिल्म हाउसफुल 4 के सेट पर सोलाई करप्पन नामक मजदूर काम करते वक्त एक हादसे का शिकार हो गया था। उसे तत्काल गोरेगांव के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग एक महीने के ऊपर उसका इलाज चला, लेकिन इलाज के दौरान 5 अक्टूबर के दिन इस मजदूर की मौत हो गई। इस बीच अस्पताल का लगभग 11 लाख का बिल भी बन चुका था, जिसे नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने भरा। असिस्टेंट मोल्डर सोलाई करप्पन के बाद परिवार का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं था। बेटी 13वीं की शिक्षा ग्रहण कर रही थी। जब यह बात फेडरेशन के संज्ञान में आई तब फेडरेशन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस परिवार को मदद दिलाने का जिम्मा उठाया। फेडरेशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने साजिद नाडियाडवाल से भेंट कर इस बात पर गहन चर्चा की। साजिद नाडियाडवाल ने भी अपनी दिलगिरी पेश करते हुए लगभग 36 लाख रुपए की मदद इस परिवार को की, जिसमें 25 लाख सोलार करप्पन की पत्नी अंजनी करप्पन को 10 लाख बेटी कुमारी दीपिका के देखरेख के लिए दी गई। इस विपदा में साजिद नाडियाडवाला की पत्नी ने भी 1 लाख रुपए की मदद की। अलाइड मजदूर यूनियन की तरफ से डेट कंपनसेशन के तहत 1 लाख और बड़ा दिल पेश करते हुए करप्पन के मजदूर भाइयों ने अपनी कमाई का 4 लाख इस परिवार को मदद की। कुल मिलाकर इस परिवार को 41 लाख रुपए की मदद फेडरेशन के अथक प्रयासों से ही हो पाई है। जब से फेडरेशन की नई टीम गठित हुई है तब से मजदूरों के हक की आवाज और भी बुलंद हो गई है। चाहे वह मजदूर किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, समान नजरिए से नए फेडरेशन के सभी पदाधिकारी उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संघ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। मैं सोलह करप्पन का मामा बोल रहा हूँ। हम अभी अपना यूनियन जो यूनियन जो चेयरमैन जो है राम कदम साहब को मैं पहले पहले धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो हमारा लड़का जो है एक्सपायर हो गया, उसकी हॉस्पिटल में खर्चा 11 लाख का उन्होंने दिया, अपने उन्होंने दिलवाया है। उसके बाद हमारे जो अभी हाफ होने के बाद मेरा फैमिली के लिए और हमारे बहन के लिए 36 लाख का उन्होंने पैसा दिलवाया है। राम कदम साहब को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद जो जो अपना जनरल सेक्रेटरी संजय श्रीवास्तव उनको साहब को भी नमस्कार धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद फेडरल जो है शिक्षण डिपार्टमेंट है उन्होंने भी सपोर्ट किया था, उन्होंने उनके सारे पे उनके सब मिलके हमको अपना साजिद भाई से बात करा के हम हमको ये जो पैसा दिलवाया है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। करपन का मामा बात कर रहा हूँ। ये उनको जो है यूनियन जो अपना ये फिल्म से काम करते समय उनको कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें बहुत सीरियस हो गए, उनको ऐसे सीरियस हो गया कि रात में हाफ होना होने जैसा हो गया। अभी यही सब होने के बाद तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करते समय उन लोगों ने अपना 11 लाख का ऊपर आसपास खर्चे किया गए, उसके बाद भी फिर भी बचा नहीं। उसके बाद वो हाफ हो गए। हाफ होने के बाद अभी हम लोग क्या करें, क्योंकि हम बहुत कन्फ्यूज में था, क्या आगे क्या करो समझ में नहीं है। तो उसके बाद हम मजदूर यूनियन के अपना जो चेयरमैन जो है कदम साहब उनके, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी जो है अपना संजय श्रीवास्तव साहब जी, उनसे बात करके उन्होंने अपना, उनके पास प्रोड्यूसर जो है अपना साजिद भाई से भी बात करके उन लोग ने हम लोग लिए बहुत सपोर्ट किया, और उनके लिए और हम लोग के लिए उन्होंने 36 लाख का चेक दिया है फैमिली जो रनिंग करने के लिए। उसके बाद हॉस्पिटल का जो खर्चा था एक लगभग 11 लाख का था, वो भी खर्चा उन लोगों ने अपने जिम्मेदारी लेके करके लिए। ये सब अपना यूनियन तरफ से हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और हम लोग हमारा बहुत अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा। इसके बाद हमारा जो लड़की है, मेरे बहन लड़की है, इनका पढ़ाई के लिए हर साल उनको जो भी खर्चा होगा हम हमारे तरफ से यूनियन तरफ से देंगे करीब बोला है। उसके बाद उनका जो शादी जो है आने वाले अगर कभी शादी होगा उसके लिए हम कुछ भी हम सपोर्ट करेंगे, ऐसे करके उन्होंने हम लोगों को बहुत इंकरेज किया है, मुझे अच्छा लगा। हम उनके तरफ पे बहुत धन्यवाद करते हैं।